वेलकम एडमिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पार्ट, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करने वाले हैं। वो जो यहाँ पे कुछ थ्योरम है और वो विद्यार्थी के लिए है, जो CSIR नेट, गेट, IIT जैम इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, या फिर वो बीटेक कर रहे हैं अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। कुछ थ्योरम है, हालांकि जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लेंगे। इसका प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो बना चुके हैं और पूरी बेसिक के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ मैंने किया है। तो चलते हैं इसका क्या है थ्योरम, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे एग्जाम्पल के साथ। राइट, देखिएगा ये थ्योरम क्या है। मैंने लिखा है क्या, इफ u x y z एंड v x y z, यानी दो फंक्शन है u और v आर टू गिवन फंक्शन x y z, यानी वो फंक्शन जो है x y z के रूप में है। फिर लिखा है कि phi u कॉमा v, यानी जो फंक्शन मेरा phi है उसके अंदर v u और v है जो जीरो के बराबर है। राइट, और फिर उसके बाद लिखा है वेयर phi इज आर्बिट्री फंक्शन e ऑफ u एंड v, देन z z x y सैटिस्फाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये है इसका मेन थ्योरम का फॉर्म, डेल यू भी अपॉन डेल वाई वाई जेड, राइट, पी स्मॉल पी प्लस डेल यू भी में हमको जेड के रिस्पेक्ट और एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, क्यू इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल। यहां पे क्या है कि u कॉमा v में पार्शियल डिफरेंशिएट x और y के रूप में लगा है। राइट, जिसको हम जैकोबियन फॉर्म में, अगर जो विद्यार्थी जैकोबियन फॉर्म नहीं पढ़े तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी प्लेलिस्ट है, जा करके देख लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि उसके पास हम ये भी वीडियो जैकोबियन का भी पहुंचा दें। राइट, तो जरा देखते हैं क्या है, डेल u भी पार्शियल डिफरेंशिएट करना है वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसका जैकोबियन फॉर्म क्या होता है, जरा सामने लिख दिया है, यानी यू का पार्शियली डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, यू का पार्शियली डिफरेंशिएट वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, और साथ ही वी का पार्शियली डिफरेंशिएट वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, वी का पार्शियली डिफरेंशिएट वाई और जेड के रिस्पेक्ट में कर दिया, जिसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, इसी को जैकोबियन फॉर्म बोलते हैं। जैसे अभी इस फॉर्म को मैंने लिखना है तो u और v में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है z और x के रिस्पेक्ट में, तो पहले u में z और x के रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया है और v में भी z और x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलरली इस पार्ट को भी हम देखें इस तरह से, u और v में एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दिया, वैसे ही v में भी पार्शियल डिफरेंशिएट x और y के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो इस तरह से जब भी ये फॉर्म रहेगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, इस तरह का फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका जनरली डिनोट हम करते हैं कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। अब ये जो थ्योरम दिया है, इस थ्योरम पर कैसे क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। अगर विद्यार्थी चाहते हैं कि इसका प्रूफ भी चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, इसका प्रूफ भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर कहेंगे तो, नहीं तो इस पर हम पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करवाएंगे, ज्यादा बढ़िया होगा क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ही आते हैं। राइट, चलिए जरा क्वेश्चन कैसे रहेगा जरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, इलिमिनेट आर्बिट्री फंक्शन फाई फ्रॉम द क्यू फ्रॉम द इक्वेशन फाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमा एक जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये जो मैंने फंक्शन का फॉर्म लिखा है वो इसी फॉर्म में लिखा है, देख लीजिए, फाई यू कॉमा भी इक्वल टू जीरो। देखिए इस पार्ट को मैंने यू मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का हम प्रक्रिया अपनाते हैं, कैसे सोल्यूशन करते हैं स्टेप टू स्टेप, यानी गिवन फंक्शन, राइट, यहां पे क्या है फाई u कॉमा भी इक्वल टू जीरो, जिसमें से ये दिया गया है क्या फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इस पार्ट को हम u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
और एक पार्ट को मैंने भी मान लिया जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, राइट। तो इस तरह से ये फॉर्म माना गया है जो सामने दिख रहा है पूरी तरह से। चलिए तो इसमें हम एक काम करते हैं कि पहले ये वाला फॉर्मा जो दिख रहा है इसी तरह सेट करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मा को सेट करने के लिए ये वाला फॉर्म आना होगा और ये फॉर्म को ये जैकोबियन फॉर्म सेट करना होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसमें यू में बाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। देखिएगा, यू में पार्शियल डिफरेंशिएट किया एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। अगर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट पार्ट जो जीरो हो जाएगा, राइट। जरा देखिए तो यहां पे ये भी जीरो हो जाएगा और वाई के रिस्पेक्ट में वाई का टू वाई हुआ और ये जीरो हो जाएगा, राइट। अर्थात इस फॉर्म का कहानी टू वाई बचेगा। अगर इसको भी हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में, यहां पे देखिएगा यू को वाई के रिस्पेक्ट में और यू को जेड के रिस्पेक्ट में, यानी इसी को जेड के रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं। देखिए जेड के रिस्पेक्ट में, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो एक्स और वाई कॉन्स्टेंट पार्ट हो जाएगा, राइट। और जेड स्क्वायर का पार्शियली डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में टू जेड हुआ, अर्थात इसका फॉर्म आ जाएगा टू जेड, राइट। अब इसमें आइए भी में भी आइए, भी में क्या है कि भी में बाई के रिस्पेक्ट में भी और जेड के रिस्पेक्ट में, देखिएगा भी में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले भी में पार्शियली डिफरेंशिएट बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड और एक्स कॉन्स्टेंट पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा और जेड और एक्स कॉन्स्टेंट पार्ट, ये कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर होगा और इसका मेरा वन आ जाएगा, अर्थात माइनस टू एक्स आ जाएगा, राइट। और इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करते हैं, भी में भी पार्शियल डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो जेड के रिस्पेक्ट में कर जेड होगा टू जेड और ये तीनों कॉन्स्टेंट पार्ट है तो जीरो आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं टू जेड, राइट। ये तो हो गया सिर्फ ये वाला पार्ट इस पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएट का फॉर्म। अब जरा हम इस पार्ट के हम निकाल लेते हैं, फिर उस पार्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में सेट कर देंगे, राइट। चलिए जरा देखते हैं इस फॉर्म के लिए, देखिएगा फिर इसी में भी हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं जरा देखिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट यू में जेड के रिस्पेक्ट और एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं। देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएट यू में ही, एक मिनट साइड करके लिख देते हैं। चलिए तो देखिएगा हम यू में पार्शियल डिफरेंशिएट डायरेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, यू में पार्शियल जेड के रिस्पेक्ट, तो ये भी कॉन्स्टेंट पार्ट, ये भी कॉन्स्टेंट पार्ट, डायरेक्ट जेड स्क्वायर क्या होगा टू जेड, राइट। फिर उसके बाद यू में ही एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यू में ही एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा और बाकी सभी वाई स्क्वायर जो है उसका जीरो हो जाएगा, राइट। फिर इसी प्रकार से हम भी में ही पार्शियल डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो भी में देखिए पार्शियल डिफरेंस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z हुआ और बाकी ये तीनों कॉन्स्टेंट पार्ट हुआ। भी में ही पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं, राइट। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो देखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे माइनस टू वाई हो जाएगा, राइट, x का वन हो जाएगा तो माइनस टू वाई, क्लियर। फिर इसी प्रकार से जरा आइए यहाँ पे पार्ट में, इसमें भी u में भी x और y के रिस्पेक्ट में करना है, तो u में ही x और y के रिस्पेक्ट में करना है। जरा देख लीजिए U है तो इसमें भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या होगा 2x हो जाएगा और बाकी सभी जीरो हो जाएगा, राइट। और U में ही हम y के रिस्पेक्ट करेंगे, U में ही y के रिस्पेक्ट का करेंगे, तो y के जब रिस्पेक्ट करेंगे तो x का जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, y का होगा 2y हो जाएगा, राइट। अब यहां पे भी में आइए तो भी में भी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस टू वाई, और भी में ही पार्शियल डिफरेंशिएट बाई के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बचा क्या माइनस टू एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने सभी पार्ट का अलग अलग निकाल लिया है। अब इसको हम एक फॉर्म में हम सेट करते हैं, ये वाला फॉर्म में सेट करते हैं, क्लियर। तो कैसे सेट करेंगे जरा हम इसको हम मिटाते हैं, ऊपर मिटा रहेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए नोट कर लिए सभी के, मैंने फॉर्म निकाला यहाँ पे डेल भी और पार्शियल डिफरेंस बाई और जेड के रिस्पेक्ट का फॉर्म, ये वाला फॉर्म में सभी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, राइट, सामने जो निकाल चुके थे। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों से कॉमन कर लिया, सामने दिख रहा है वैसा ही। इसका भी फॉर्म मैंने यू और भी पे पार्शियल डिफरेंस जेड और एक्स के रिस्पेक्ट में लगाया, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू निकाला था उसको मैंने पुट कर लिया है और इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए,
यहाँ पे आएगा माइनस फोर वाई जेड और माइनस वाई फोर जेड एक्स, कॉमन कर लिया जो सामने दिख रहा है। फिर इसका भी पॉट निकाल लिया गया, तो इसका निकाले तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में मैंने कर लिया है, वैल्यू जो सामने निकाले थे उसको मैंने पुट कर लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, माइनस फोर कॉमन कर लिया तो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, राइट, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने क्या किया है कि ये फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म अभी बताया था जो थ्योरी था, इसका मैंने सामने वैल्यू निकाला है, राइट, फिर इसके बाद पी है इसका वैल्यू सामने निकाला है पुट कर दिया गया है, इसका ये वैल्यू सामने निकाला है जो पुट कर दिया गया है। अब प्रत्येक में से फोर कॉमन करके कैंसिल कर लिया गया है जो सामने दिख रहा है, और फिर मैंने क्या किया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन कर लेंगे जिसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे जो पार्ट मेरा ये बचेगा, और ये जो दोनों में से हम जेड कॉमन कर लेंगे तो देखिए कॉमन किया और माइनस का पार्ट क्या गया प्लस आ गया सामने दिख रहा है, ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर सकते हैं पूरी तरीके के साथ, और भी इसका हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे और भी डिटेल से, क्लियर। जब तक के लिए इसको जरा नोट